हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो है कल का, सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग अभी 10 बजे है और मेरा सुबह का सारा काम हो गया है, डस्टिंग, क्लीनिंग। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ, शावर ले लिया मैंने और मैं यहाँ कर रही हूँ पूजा। तो सावन में मैं कोई स्पेशल पूजा नहीं करती हूँ, शंकर जी की जैसे पूजा मैं साल भर करती हूँ ना, वैसे ही करती हूँ। बस ये होता है कि सावन के समय यहाँ इजीली बेलपत्र अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन साल भर नहीं हो पाते हैं। तो जब मैं कभी शिव जी के कोई मंदिर जाती हूँ तो वहाँ से मैं ले आती हूँ, फिर वो एक हफ्ते चलते हैं और उसके बाद आप उसको धो के 3 बार आप शंकर जी को जो बेलपत्र है ना वो चढ़ा सकते हैं। तो ऐसा करते करते ना फिर बेलपत्र जो है वो एक हफ्ते की बजाय मेरे 3 हफ्ते तक चल जाते हैं। अच्छा, एक और बात कि पंचामृत से भी ना मैं सावन में भी स्नान कराती हूँ, और ऐसे भी जिस दिन दूध आता है और मैं कच्चा दूध रख देती हूँ तो उस दिन भी मैं पंचामृत से स्नान करवा देती हूँ। पूजा यहाँ पे मेरी हो गई है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 40 मिनट्स नो अनियन नो गार्लिक की एक सात्विक थाली, जिसमें मैं आपके साथ 6 चीजें शेयर करने वाली हूँ। तो बस, तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं आज भरवा भिंडी बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक मसाला शेयर करूंगी, जिसको आप बना के स्टोर करके फ्रिज में आप लगभग 1.5 से 2 महीने के लिए रख सकते हैं। और कोई भी भरवा सब्जी, चाहे वो परवल हो, भिंडी हो या बैंगन हो, आप बना सकते हैं। तो भिंडी को देखिए इस तरीके से, या तो आप पूरा लंबा में उसको चीरा लगा के बना सकते हैं, या एक भिंडी के आप 2 टुकड़े कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/4 कप जो सेसमी सीड्स है, वाइट तिल, वो लिए है। इसको मैं हल्का सा रोस्ट करके ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। और इसके बाद मैंने इसमें 1/4 कप ही लिया है बेसन। बेसन को भी आपको ड्राई रोस्ट करना है, आपको सेम फ्लेम पे बेसन को भूनना है। जब बेसन आपका अच्छे से भून जाएगा तो बेसन को कढ़ाई में ही आपको कर देना है साइड में। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। हम ऐड करेंगे हल्दी, मिर्ची हम स्वाद के हिसाब से ऐड करेंगे क्योंकि मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ। धनिया का पाउडर ऐड करेंगे स्वाद के हिसाब से, नमक डालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हम गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा अमचूर का पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ी सी हींग हम बेसन के साथ ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून के करीब पाव भाजी मसाला भी ऐड किया है, जिससे ना भरवा मसाले को एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो बस, अगर कढ़ाई बहुत गर्म है तो आप बंद कढ़ाई में ही, बंद गैस में इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, नहीं तो आप 10 से 12 सेकेंड के लिए मीडियम सिम पे जो गैस है वो ऑन करके मसालों को भून सकते हैं। इसके बाद हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तिल ठंडे हो गए हैं तो तिल के साथ मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून सौंफ भी ऐड की है और इनका अब हम एक ना पाउडर बना लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि तिल जो है वो हमेशा पल्स पल्स करके पीसिएगा, तो वो ऑयल रिलीज नहीं करता है। तो देखिए, तिल को मैंने पीस लिया है, अब बस हमने जो मसाला अपना सेका था उसके साथ हम इसको मिक्स कर देंगे और हमारा एक बहुत अच्छा सा भरवा मसाला बनके जो है रेडी हो जाएगा। आप कोई भी भरवा सब्जी में इसका यूज कर सकते हैं और आप इसको स्टोर करके 1.5 से 2 महीने तक आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। हम इस पे मसाला जो है भिंडी में फिल कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि मसाला बहुत ज्यादा ड्राई ड्राई है तो आप उसमें हल्के से पानी के छींटे मार के या हल्का सा ऑयल डाल के, या पानी और ऑयल दोनों डाल के आप इसको गीला कर सकते हैं और फिर सब्जी के अंदर आप इसको फिल कर सकते हैं। किसी भी सब्जी में अगर आपको ऊपर से थोड़ा सा मसाला ऐड करना है ना, तो आप आलू की सब्जी में भी ऊपर से ये मसाला डाल के बना सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। या भिंडियों को इतना पतला पतला आप काट लीजिए, बिल्कुल लंबा लंबा, और जैसे हम भिंडी फ्राई करते हैं वैसे फ्राई करके आप 1 चम्मच मसाला ऊपर से ऐड कर दीजिए, तो भी ये सब्जी बहुत
टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में लिया है सरसों का तेल और मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है क्योंकि मुझे सूखी सूखी सब्जी बनानी है। और मैंने जो भिंडी भर के रखी हुई थी वो और जो थोड़ा सा मेरा मसाला बचा था वो सारा कुछ मैंने ऑयल में ऐड कर दिया है। और बस आपको इसे लगभग 45 सेकंड पहले तो हाई फ्लेम में इसको अच्छे से भून लेना है भिंडियों को, और उसके बाद फिर आपको सिम फ्लेम में ढक के इसको छोड़ देना है जब तक कि भिंडी जो है वो अच्छे से कुरकुरी नहीं हो जाती या भिंडी अच्छे से गल नहीं जाती। चलिए अब हम बना लेते हैं दाल। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट फ्राई करके ही दाल बनाने वाली हूँ, मैंने दाल को बॉईल नहीं किया है। तो प्रेशर कुकर में मैंने यहाँ पर लिया है घी। घी जब गर्म हो गया है तो उसमें मैंने थोड़ा सा राई, जीरा और थोड़ी सी हींग ऐड की है। इसके बाद मैंने इसमें टमाटर और जो हरी मिर्च है ना वो मैंने ऐड की। अगर आप जिंजर गार्लिक डालना चाहते हैं तो आप इसी स्टेज पे उसको डाल दीजिएगा। बस इसके बाद आपको टमाटर को 30-40 सेकेंड भूनना है। और अब हम इसके बाद इसमें मसाले करेंगे। तो हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर और नमक। तो यहाँ पे मैंने ना स्वाद के हिसाब से नमक पूरी दाल के हिसाब से ऐड कर दिया है एक बार में ही। उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं यहाँ पर ऐड करूंगी। और बस अब ऑयल सेपरेट होने तक हमको इस मसाले को ढक के बहुत अच्छे से भून लेना है। बीच में सब्जी को भी हम एक बार चेक कर लेंगे। तो सब्जी ये काफी जल्दी बन के रेडी हो जाती है। और अगर आपका भरवा मसाला पहले से बन के रेडी है ना तो 40 मिनट के अंदर आपकी ये थाली बन के जो है वो रेडी हो जाएगी। तो जो सामान एक्स्ट्रा काउंटर टॉप पे था वो सारा कुछ मैंने हटा दिया है। टमाटर मैं यहाँ चेक कर रही हूँ, टमाटर भी को भी मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगता है और वो पूरा जो ऑयल है वो सेपरेट यहाँ पे अपना कर देते हैं। जब तक टमाटर हो रहे हैं मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना मिर्च की भी एक सब्जी बनाने वाली हूँ जिसके लिए मैं मिर्च निकालूंगी। और जरूर ट्राई कीजिएगा आप मिर्च की ये सब्जी, ये बहुत ही जल्दी 5 मिनट में बनके रेडी हो जाती है और बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। हरा धनिया मैं कभी भी धो के स्टोर नहीं करती हूँ, जब भी मुझे यूज करना रहता है मैं उसे अच्छे से कट कर लेती हूँ पहले तो। और जो चाय की हमारी छन्नी होती है ना उसमें मैं अच्छे से डाल के उसको वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पे भी जो तुअर की दाल होती है मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अगर आपके यहाँ दाल जल्दी नहीं गलती है तो आपको पहले से दाल जो है ना आप गर्म पानी में सोख कर दीजिएगा, तो फिर उससे रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छे आते हैं। टमाटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं और घी जो है वो रिलीज हो गया है मसाले से। तो फिर अब हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर दाल। दाल डालने के बाद आपको इसको अच्छे से ना मिक्स कर देना है। और इसी स्टेज पे आप हरा धनिया इसमें ऐड कर सकते हैं। दाल को आपको ना 30 से 40 सेकंड मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है जिससे दाल में ना बहुत अच्छा सा एक सौंदा सा टेस्ट आ जाता है। बस इसके बाद आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए और चाहे तो आप ऊपर से इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। हरा धनिया पहले या बाद में जैसे भी आपको ऐड करना है, और आप इसकी 3 सीटी ले लीजिए तो दाल बहुत अच्छे से पक जाती है। सब्जी भी यहाँ पर हो गई है। एक्चुअली सब्जी का गैस बीच में बंद हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था तो इस कारण थोड़ा सा टाइम लग गया। तो मैंने थोड़ा सा नमक ऊपर से स्प्रिंकल किया है, हरा धनिया ऐड किया है क्योंकि ना भिंडी ऊपर से नहीं तो फीकी फीकी सी लगती है। आप चाहे तो ऊपर से नमक थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, बस 30 सेकेंड ताकि नमक पक जाए और सब्जी हो जाएगी रेडी। और यहाँ पर अब मैं तैयारी कर रही हूँ एक दही वाली मिर्च बनाने की। तो ये बिल्कुल भी तीखी वाली मिर्च नहीं है, इसको आप चाहे तो बीच से चीरा करके दो भाग कर सकते हैं, या फिर जैसे भरवा सब्जी के लिए हम बीच से चीरा लगाते हैं ना उस तरीके से आप इसके दो मतलब चीरा इसमें लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर कढ़ाई में मैंने लिया है ऑयल, और मिर्च की सब्जी में थोड़ा सा ना ज्यादा ऑयल लगता है। सौंफ और हींग का हम इसमें लगाएंगे तड़का। आपको राई जीरा ऐड नहीं करना है। और इसके बाद मिर्च डाल के लगभग 1 मिनट आपको मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लेना है। आपको मिर्चियों को गलाना नहीं है। तो बस जब तक मिर्च जो है वो यहाँ पर अच्छे से फ्राई होगी, तो मैंने चावल के लिए पानी चढ़ा दिया है। मैं आज मांड उतार के चावल बनाने वाली हूँ।
मिर्ची में मसाला कर लेते हैं। हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर डालेंगे हम इसमें, और आप चाहें तो थोड़ा सा अमचूर का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बस ये मसालों को अच्छे से आपको ना भून लेना है, तो आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, गैस बिल्कुल आपको सिम रखना है। मसाले अच्छे से भून जाते हैं, जैसे ही मसाले आपके भून जाएंगे, यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच दही जिसको अच्छे से फेंट लिया है, और अब आपको इसको मिर्च में ऐड करना है, और आप इसको कंटिन्यूअसली आपको इसको चलाते जाना है जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आता, नहीं तो दही फट जाएगा। जैसे ही सब्जी में बॉयल आ जाएगा तो आप इसको फिर अनअटेंडेंट छोड़ सकते हैं, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, क्योंकि अगर कभी कभी हम पहले नमक ऐड कर देते हैं ना तो भी दही जो है वो फट जाता है। बस लगभग 30 सेकंड दही को अच्छे से बॉईल हो जाने दीजिए, नमक पक जाने दीजिए, और हमारी जो सब्जी है वो हो जाएगी रेडी। जरूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत जल्दी बनती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पर दाल का प्रेशर रिलीज हो गया था, तो देखिए दाल कितनी अच्छी दिख रही है। अगर आपको खड़ी खड़ी सी दाल पसंद नहीं है तो आप इसमें एक रई चला सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ। बस आप इसमें हरा धनिया ऐड कर दीजिए, और एक ही बार में मतलब आपकी बहुत अच्छी तड़के वाली दाल जो है ना वो रेडी हो जाएगी। पानी में अभी बॉईल आ गया है, तो चावल अब इसमें ऐड कर देंगे। और काम करने के पहले किचन में अगर आपने चावल सोक कर दिए हैं, अगर आप मांड उतार के चावल बना रहे हैं, तो आपके मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगते हैं और चावल बनके ना रेडी हो जाते हैं। आप चाहे तो आप पानी केटल में गर्म करके भी ऐड कर सकते हैं। जब तक चावल हो रहा है रायता बना लेते हैं। तो दही अच्छे से फेंट लिया है, उसमें मैंने ऐड किया है काली मिर्च, काला नमक और भुना हुआ जीरे का पाउडर। इसमें मैं क्यूकुम्बर ऐड कर रही हूँ, मैं क्यूकुम्बर का रायता बना रही हूँ, तो मैंने इसे ग्रेट नहीं किया, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसे कट कर लिया है। बस इसे मिक्स कर लेंगे। सादा नमक मैंने ऐड नहीं किया है, सिर्फ काला नमक ऐड किया है। लास्ट का इतना सा हरा धनिया बचा था, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसे अभी हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए चावल यहाँ पर अच्छे से हो गए हैं, तो इसे छन्नी में डाल के मैं चावल को पसा लूंगी। अब सिर्फ यहाँ पर बची हुई है हमारी रोटियाँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं काले चने के साथ जो है ना, और गेहूं के आटे के साथ मैं रोटियां बना रही हूँ। तो काला चना मैंने एक दिन पहले ही सोक करके रख दिया था, और उसका मैंने ये पेस्ट बनाया है। इसको आपको आटे में ऐड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सुबह ही पीस के रख दिया था जब मैंने मसाला रेडी किया था। आप चाहे तो आप ना नॉर्मल गेहूं के आटे की रोटी है इसमें बेसन मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो पहले आप चने और आटे को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, चने के पेस्ट को, और बस पानी डाल के फिर इसका एक आपको नरम सा ही थोड़ा आटा लगाना है, क्योंकि जब हम इसको 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं ना, तो फिर ये जो है हल्का मतलब ये आटा बहुत ज़्यादा फूलता है। खाने में रोटियां बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है ना, अक्सर उनको ये रोटियां खाने की सलाह दी जाती है। तो 10 मिनट रेस्ट आटा कर लिया था, तो बस अब मैं इसकी जल्दी से रोटियां सेक लूंगी, और नॉर्मल जैसे गेहूं की रोटी हम बनाते हैं ना वैसे ही हम बना लेंगे। और आटा में मैंने बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया था। अब चाहे तो अगर आप नमक ऐड करेंगे तो ये थोड़ी और ज्यादा टेस्टी लगती है। तो नॉर्मल गेहूं की रोटी की तरह आपको बेलना है, और ये फूलती भी वैसे ही रोटियों की तरह ही है। रोटियां यहाँ पे सिक गई हैं। आज की थाली की हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आज है दाल है, रायता है, भिंडी की सब्जी है, भरवा भिंडी की सब्जी है, इसके बाद राइस है, दही वाली मिर्च है, और रोटियां हैं। अगर आप इसमें अचार, पापड़ और सैलेड ऐड कर देंगे ना, तो ये थाली तो बिल्कुल शाही थाली की तरह ही बन जाएगी। दोपहर में बस लंच किया, बर्तन क्लीन किए, किचन पूरा समेटा, और उसके बाद अभी ना लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा है, तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं।
मैं अभी जा रही हूँ नर्सरी, क्योंकि अब 2 दिन से पानी नहीं गिरा है, 3 दिन से ना, तो वो नर्सरी के सामने जो कीचड़ था वो सारा सूख गया होगा, नहीं तो देखिए सारा कीचड़ सूख गया है। और यहाँ से उतर के फिर आपको अंदर तक जाना है, तो इतना कीचड़ था कि अब जा ही नहीं सकते। तो ये एकदम पास में ये हमारे घर से, मतलब रोड क्रॉस करो और सामने ही है जब आप हाईवे पे आते हैं। तो आज फाइनली मैंने यहाँ पर पौधा एक ले लिया है तुलसी का, और इसके बाद अब हम जा रहे हैं चाय पीने, कॉफी पीने के लिए, क्योंकि आज मैंने सुबह से चाय नहीं पी है और मैं चाय पीने वाली भी नहीं हूँ, लेकिन इतना सोया सोया सा लग रहा है, सर नहीं दुख रहा है। मुझे तो लग रहा था कि शायद बहुत सर दुखेगा या ऐसा कुछ होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर हम घूमते घूमते यहाँ पर आ गए हैं। ये एक गोदरेज गार्डन सिटी के पास ही ये एक एरिया है जो अभी अभी डेवलप हुआ है, तो यहाँ पे खाने पीने की काफी सारी दुकानें हैं। तो फिर इसके बाद यहाँ पर हस्बैंड ने चाय पी और मैंने पी यहाँ पर कॉफी। बस उसके बाद हम लोग घर आ गए हैं, और आते आते यहीं पर हमारी टाउनशिप में आजकल सब्जियों का और फ्रूट की 2-4 दुकानें लगती हैं सैटरडे को, तो वहां से मैं कुछ फ्रूट लेके आई हूँ, क्योंकि अभी जो है कोई भी फ्रूट नहीं था और बाहर जाना आज हुआ भी नहीं हमारा कहीं फ्रूट के मार्केट में। तो फ्रूट को मैं वॉश करके रख दूंगी, और केले को जैसे मैं हमेशा से रखती हूँ मैं वैसे केले को रख दूंगी। आई हूँ जल्दी से, मैंने अभी हाथ मुंह धोया है, और मुंह धोने के बाद फिर पूरा फेस पसीने में भर गया मेरा। तो इतनी गर्मी हो रही है ना, आरती करी है बस। और शाम के पार्ट मैंने अभी नहीं किए हैं, क्योंकि आज मैंने सुबह कर लिए थे आधे, और आधे मेरे बच्चे थे। तो अभी मैं ना पहले तो पानी पीऊंगी, उसके बाद फिर मैं थोड़े से अपने पार्ट करूंगी, और उसके बाद देखेंगे फिर कि रवेश को जो भी खाना होगा उनके लिए। वैसे राइस रखा है, रोटी भी रखी है, और वो मिर्ची की सब्जी भी रखी है। अगर उन तीनों में से उनको कुछ खाना हुआ तो ठीक है, नहीं खाना हुआ, कुछ पीना है शेक वेक, तो फिर मैं वो बना दूंगी। तो चलिए फिलहाल तो मैं पी लेती हूँ पहले पानी, और मैं मम्मी से करूंगी बात, क्योंकि आज मेरी दिन भर उनसे ना बात ही नहीं हो पाई है। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो बस लास्ट में फिर मैंने बना दिया था, अभी लगभग 8:30 का टाइम हो रहा है, एप्पल शेक, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। बर्तन क्लीन करने के साथ ही मेरे किचन का पूरा काम और मेरा पूरा दिन यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है। तो चलिए मैं आपसे कल फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नए दिन के साथ। तब तक आप देखते रहिए बरखा के फंडे। पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।